हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बनाना होता है वो हमेशा सीडलेस क्यों होता है, उसमें सीड क्यों नहीं पाया जाता। तो सीड हम जानते हैं कि सीड ओव्यूल से बनते हैं और ओव्यूल जो होते हैं ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं जिससे सीड का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी फ्लावर होता है उसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं और वो पॉलन ग्रेन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल है उस तक आते हैं और इसको पॉलिनेशन कहा जाता है। तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है कि वो पॉलन ग्रेन फिर जर्मिनेट करते हैं और वो जाकर के ओव्यूल से मिलते हैं जहाँ उनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में बदल जाते हैं, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में बदल जाती है। ये आमतौर से होता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि फर्टिलाइजेशन ना हो और उससे पहले ओवरी ग्रो करने लगे तब क्या होगा, तब उसके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आमतौर से ये होता है कि पहले फर्टिलाइजेशन होता है और फिर उसके बाद ओवरी बड़ी होने लगती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में बदल जाते हैं और ओवरी जो होती है वो फ्रूट में बदल जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो और फर्टिलाइजेशन से पहले ही वो ओवरी ग्रो कर जाए तब उसके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जो बनाना होता है उसमें यही होता है कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता और उससे पहले वो ग्रो करके वो ओवरी फ्रूट बन जाती है। तो इसको पार्थिनोकार्पी कहा जाता है, मतलब ये कि सीड का फॉर्मेशन ना हो और फ्रूट ओवरी से बन जाए तो इसको पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। तो जो बनाना है उसके केस में यही होता है कि वो फर्टिलाइज नहीं होता, इसलिए उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है और वो फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।